तो इसका मतलब मेरा शक ठीक था, तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ जी। किस बात पर बताओ मुझे। आपका बेटा बहुत अजीब है। एक वक्त पे उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है। वो अच्छा भी होता है, बुरा भी, मोहब्बत भी करता है, नफरत भी। मुझे उसकी समझ नहीं आ रही, मैं तंग आ चुकी हूँ उससे। इतनी जल्दी तंग आ चुकी हूँ? 2 महीने हो चुके हैं शादी को। बस 2 महीने में तुम्हारी मोहब्बत की कलाई खुल गई। तुम तो हमदान से शादी के लिए बहुत बेकरार थी माया। तब वो भी था। मैंने तो तुम्हें पहले ही कह दिया था कि ये फैसला सोच समझ कर कर। सोच समझ के किया था, लेकिन उस वक्त मुझे हमदान में कोई बुराई नजर ही नहीं आती थी। तो आप कैसे इतनी बुराइयां नजर आने लगी? क्योंकि उस वक्त उसने अपनी बुराइयों पर पर्दा डाला हुआ था। नहीं माया, ऐसा नहीं है। तब तुम्हारी आंखों पर उसकी मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी बेटे। तुम्हें हमदान के अलावा कोई नजर ही नहीं आता था। शायद। तो आप भी उस पट्टी को अपनी आंखों पर चढ़ाए रखो। बंद आंखों से हमदान की मोहब्बत महसूस करो बेटे। उससे वैसी मोहब्बत करती रहो जैसे पहले करती थी। इसी में तुम्हारा फायदा है और इस घर का सुकून भी। हर कोई यहां अपना ही फायदा देखता है। मिस मोना ऑफिस में नहीं है, कहाँ है वो? सर वो घर जा चुकी है। घर जा चुकी? जी। ओके, थैंक यू। यू वेलकम। सलाम आरिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। निम्रा तुम कब आई? कुछ देर पहले आई थी और अब जा रही हूँ। अरे इतनी क्या जल्दी है, थोड़ी देर तो रुक जाओ। अरिश्मा से बातें करने आई थी, ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है। पता नहीं क्यों उसका आज बहुत मूड ऑफ है। तो बहन से पूछ लेना था ना कि उसका मूड क्यों ऑफ है। पूछा था लेकिन ये कुछ बता ही नहीं रही है। चलो फिर तुम मुझसे बात कर लो। लेकिन अब तो मैं जा रही हूँ। कहीं नहीं जा रही हो तुम, खाना खाए बिना मैं नहीं जा